नमस्कार, मैं प्रोफेसर एके नवीन आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज का विषय है समान नागरिक संहिता की आवश्यकता। एक समान नागरिक संहिता का अधिनियमन एक संवेदनशील विषय है, क्योंकि उसका बहुत अधिक राजनीतिकरण किया जा चुका है। यद्यपि कि प्रबुद्ध मुस्लिम समुदाय के अभिमत संहिताकरण के पक्ष में हैं, इस विषय पर संविधान सभा में जब बहस चल रही थी, मुस्लिम नेताओं ने इस बात की आशंका व्यक्त की थी कि एक समान सिविल संहिता के कारण उनकी वैयक्तिक विधि का अतिक्रमण हो सकता है। परंतु उनके इस भय और संदेह को इंगित करके दूर कर दिया गया है कि इस समय भारत ने एक व्यापक क्षेत्र में विधि की एक रूपता को प्राप्त कर लिया है, और यद्यपि कि वैयक्तिक विधियों के क्षेत्र में विभिन्नता है, परंतु फिर भी उनके संबंध में उल्लंघन जैसी कोई बात नहीं है। यदि सभी के लिए प्रवर्तनीय एक समान विधि को तैयार किया जाता है तो वह राष्ट्रीय एकता को समृद्धशाली भी बना सकता है। एक समान सिविल संहिता का अभाव ऐसी विसंगति है कि उसको पंथ निरपेक्षवाद, विज्ञान और आधुनिकीकरण जैसी संकल्पनाओं पर जोर देकर भी न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार एक राष्ट्र के रूप में भारत के विकसित होने के मार्ग में जो सबसे बड़ी बाधा है, वह धर्म पर आधारित वैयक्तिक विधियों की विद्यमानता है, जिसके कारण राष्ट्र जीवन अनेक क्षेत्रों में पृथक पृथक खंडों में विभाजित हो गया है। 5 से 10 वर्षों की अवधि में भारत के लोगों को एक समान नागरिक संहिता प्रदान करने की आवश्यकता की गारंटी दे दी जानी चाहिए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 44 यह अपेक्षा करता है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में अपने नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित कराने का प्रयास करेगा। अतः वह राज्य ही है जिस पर देश के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता सुनिश्चित करने का कर्तव्य का भार डाला गया है, और निःसंदेह उसको वैसा करने की विधायी क्षमता प्राप्त है। साहबानो प्रकरण, इस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला भरण पोषण की हकदार है। उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चय दिया कि साहबानो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 की भरण पोषण लेने की हकदार थी, और मेहर शब्द का तात्पर्य उसके वास्तविक इस्लामिक भावबोध के अंतर्गत उस धनराशि से है जिसका पति द्वारा पत्नी को विवाह पर भुगतान करना है, न कि तलाक पर। मेहर के धनराशि का भुगतान का उपयुक्त अवसर तलाक नहीं है। इस वाद में दिए गए विनिश्चय पर देश में बहुत बड़ा हंगामा हुआ। राजनैतिक दबाव के कारण सत्तारूढ़ पार्टी ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों की तुष्टि के लिए तत्काल 1986 में एक अधिनियम मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों की संरक्षा अधिनियम पारित किया, जिसकी व्यापक आलोचना की गई। मेरी राय बनाम केरल राज्य का प्रकरण, इस वाद में श्रीमती मेरी राय ने ईसाई उत्तराधिकार अधिनियम ट्रावनकोर क्रिश्चियन सक्सेशन एक्ट 1916 के उपबंधों को चुनौती दी गई थी, जिसमें पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार के मामले में पुत्रों और पुत्रियों के बीच भेदभाव किया गया था। परंतु उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय के परिणाम स्वरूप
ईसाई स्त्रियां भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन पुरुषों के समकक्ष ला दी गई हैं, जिसमें पुत्रों और पुत्रियों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया गया है। राष्ट्रीय गान प्रकरण, इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि किसी व्यक्ति को जिसका धार्मिक विश्वास राष्ट्रगान गाने की अनुमति नहीं देता, उसे राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इस निर्णय के अत्यंत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। राष्ट्रगान गाना एवं राष्ट्रध्वज का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। सरला मुद्गल प्रकरण, 1995 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने सरला मुद्गल बनाम भारत संघ के वाद में भारत सरकार को यह निर्देश जारी किया था कि वह भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता के निर्माण का प्रयास करे। इस वाद में हिंदू पति द्वारा द्विविवाह के अपराध से बचने के लिए इस्लाम धर्म में परिवर्तन का एक गंभीर मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया था। न्यायमूर्ति श्री कुलदीप सिंह तथा श्री आर एम सहाय ने यह निर्णय दिया कि एक हिंदू पति अपना पहला विवाह विच्छेद किए बिना इस्लाम धर्म स्वीकार करके दूसरा विवाह करना हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के उपबंधों के अधीन अवैध है, और पति बहुविवाह के अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अधीन दंडनीय भी है। हिंदू वैयक्तिक विधि के अनुसार पति या पत्नी में से एक के इस्लाम धर्म स्वीकार करने के पश्चात भी हिंदू विवाह अस्तित्व में बना रहता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। हिंदू विवाह का स्वतः विच्छेद नहीं होता है। एक हिंदू के विवाह का विघटन हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत वर्णित किन्हीं आधारों पर विवाह विच्छेद की डिग्री द्वारा किया जाता है। केवल इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेने मात्र से ही उनका विवाह विच्छेद नहीं हो जाता है। एक समान सिविल संहिता की आवश्यकता पर बल देते हुए न्यायाधीशों ने कहा है कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि संविधान को लागू हुए 45 वर्ष बीत चुके हैं और इस बीच अनेक सरकारें आईं और गईं, किंतु अनुच्छेद 44 में निहित संविधान के उक्त निर्देश को कार्यान्वित करने के कर्तव्य का पालन किसी के द्वारा नहीं किया गया। अनुच्छेद 44 इस अवधारणा पर आधारित है कि धर्म और समाज में वैयक्तिक विधि में कोई संबंध नहीं होता है। अतः समान सिविल संहिता बनाने से किसी समुदाय के सदस्यों के अनुच्छेद 25, 26 तथा 27 के अधीन धार्मिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विवाह उत्तराधिकार और इस प्रकार के सामाजिक प्रकृति की बातें धार्मिक स्वतंत्रता से बाहर हैं और उन्हें विधि बनाकर विनियमित किया जा सकता है। यह चारों प्रकरण धर्म के शासन को प्रदर्शित करता है। भारत की एकता व अखंडता उस समय खतरे में पड़ सकती है यदि धर्म को भारतीय समाज पर अपने पंजे को कसने की अनुमति दे दी जाती है। हमारा देश एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है और राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। वह किसी का पक्ष नहीं लेता और किसी का विरोधी भी नहीं है। मानवता ही हमारा धर्म है और सभी भारतीयों के लिए एक समान विधि हमारा आदर्श है। हम विधि शासन पर विश्वास करते हैं और उसी को अपना योगदान देते हैं
और विधि का यह शासन एकमात्र एक समान नागरिक संहिता से ही संभव है, क्योंकि उसी के द्वारा विधि शासन स्थापित हो सकता है। हमारी सभी रुग्णताओं के लिए यही एकमात्र रास्ता है। अक्टूबर 1986 में टाइम्स ऑफ इंडिया में यह खबर प्रकाशित हुई थी कि स्वैच्छिक एक समान सिविल संहिता का एक विधेयक संसद के समक्ष विचार करने के लिए लगभग तैयार हो गया है। उक्त प्रस्तावित विधेयक में विवाह, तलाक, अवयस्कता, भरण पोषण, संरक्षता और उत्तराधिकार जैसे विषयों को सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित था। वह विधेयक उन लोगों के लिए प्रस्तावित था जो उसको पसंद करते। उस विधेयक के पारित हो जाने पर विशेष विवाह अधिनियम 1954 को निरसित कर दिया जाता। इस प्रस्तावित विधेयक में वैवाहिक अधिकारों के पुनर्स्थापन और न्यायिक पृथक्करण के लिए भी विस्तृत उपबंध थे। इस विधेयक में वैवाहिक अनुष्ठान के सभी परिणामों को विनियमित किया गया था, जिससे ऐसे किसी भी व्यक्ति की अथवा उसके आश्रितों के भरण पोषण, अवयस्कता अथवा संरक्षता को भी सम्मिलित किया गया था, जिसके विवाह का अनुष्ठान इस विधेयक के अधीन किया जाता, उन व्यक्तियों की संपत्ति का उत्तराधिकार जिनके विवाह का अनुष्ठान इस विधेयक के अधीन किया जाता और ऐसे विवाह की संतानों की संपत्ति को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अधीन विनियमित किया जाना प्रस्तावित था। इस विधेयक में पत्नी, विधवा, वधु, संतानों और वृद्ध तथा निर्बल माता पिता के भरण पोषण का भी उपबंध किया गया था। पत्नी को पति द्वारा उसके जीवन पर्यंत भरण पोषण करना था और उसको यह अधिकार दिया गया था कि वह भरण पोषण के अपने अधिकार को समाप्त किए बिना अलग रह सकती थी। यदि उसका पति अभित्याग का दोषी है या उसने उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया है या वह कुष्ठ रोग से पीड़ित है, पत्नी, पुत्र और पुत्रियों को भी, चाहे वे धर्मज हों अथवा अधर्मज, अपने पति की मृत्यु के बाद भरण पोषण का हकदार बनाया गया था। एक समान नागरिक संहिता के लाभ। यदि एक समान नागरिक संहिता का अधिनियमित और प्रवर्तित किया जाता है तो उससे राष्ट्रीय एकीकरण में मदद मिल सकती है और उसमें त्वरित गति आ सकती है। विधि के अतिव्यापी उपबंधों से बचा जा सकता है। वैयक्तिक विधियों के कारण होने वाली मुकदमेबाजी में कमी आ सकती है। राष्ट्रीय एकता की भावना में वृद्धि हो सकती है। सांप्रदायिक तथा अलगाववादी ताकतों को सदा के लिए परास्त करते हुए राष्ट्र को सशक्त और मजबूत बनाया जा सकता है। वैवाहिक उम्र, बहुविवाह, हलाला, एक समान नागरिक संहिता के लाभ। यदि एक समान नागरिक संहिता के को अधिनियमित और प्रवर्तित किया जाता है तो उससे राष्ट्रीय एकीकरण में मदद मिल सकती है और उसमें त्वरित गति आ सकती है। विधि के अतिव्यापी उपबंधों से बचा जा सकता है। वैयक्तिक विधियों के कारण होने वाली मुकदमेबाजी में कमी आ सकती है। राष्ट्रीय एकता की भावना में वृद्धि हो सकती है। सांप्रदायिक तथा अलगाववादी ताकतों को सदा के लिए परास्त करते हुए राष्ट्र को सशक्त और मजबूत बनाया जा सकता है। वैवाहिक उम्र, बहुविवाह, हलाला, तलाक तथा जनसंख्या पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। इससे
सभी समुदायों में समानता होगी और देश की एकता और अखंडता भी सशक्त होगी। धन्यवाद।